नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं निवेश वित्त से संबंधित नियमित रूप से सूचनाएं लेकर के आता रहता हूं। यदि आपको निवेश के संबंध में जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न है तो कोई क्वेरी कर सकता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था मित्रों, जिसमें यह बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री पर ब्रोकर हाउस काफ़ी बुलिश हो गए हैं और अपने टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिए हैं। उसमें मैंने यह भी बताया था मित्रों कि फेसबुक और रिलायंस के मध्य में कुछ समझौता होने जा रहा है, जो कि आने वाले समयों में रिलायंस के साथ साथ मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। तो मित्रों, खबर आ गई है, खबर ये आई है मित्रों कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन का निवेश किया है, जिसे रुपयों में कन्वर्ट करें तो 43,574 करोड़ रुपये की निवेश किया है। और फेसबुक ने इस निवेश के साथ ही जियो में लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीद लिया है और फेसबुक जियो में रिलायंस के बाद सबसे बड़ा शेयर धारक बन गया है। तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेने वाला है और रिलायंस के शेयरों में तेजी दिख सकती है। हालांकि जैसा कि पता है मित्रों कि रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, एक समय इसका मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ के ऊपर था, वर्तमान में 7 लाख करोड़ के आसपास आ गया है और इस कंपनी के अंदर ह्यूज संभावनाएं हैं मित्रों। इस कंपनी के बगैर हमारा पोर्टफोलियो अधूरा है। इस निवेश करने से पहले मित्रों, फेसबुक ने रिलायंस जियो के बारे में कहा है कि जिस तरीके से रिलायंस जियो ने अपने देश में भारत में बदलाव किया है, जिस तरीके से इसने इंटरप्राइजेज और बिजनेस को बढ़ावा दिया है, उससे लेकर के फेसबुक बहुत उत्साहित है। उसका मानना है मित्रों कि मात्र 4 साल से भी कम समय में 388 मिलियन यानी 38 करोड़ लोगों को जियो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला दिया है मित्रों, तो जाहिर सी बात है इससे बिजनेस बढ़े हैं। तमाम तरह के ओला उबर कई तरह के ऐप बेस्ट बिजनेस प्रारंभ हुए हैं और अभी बहुत आगे जाने की संभावना है। बहुत पहले मैंने सुन रखा था कहीं मित्रों कि इंटरनेट अभी एक बच्चा है, सोचिए जब ये जवान होगा तो क्या होगा। तो इंटरनेट वर्तमान में किशोरावस्था में पहुंच रहा है, अभी उसके ह्यूज संभावनाएं हैं। भारत में वर्तमान में मित्रों जिस तरीके से इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, ये माना जा रहा है कि 2022 आते आते 800 मिलियन इंटरनेट यूजर हो जाएंगे। 800 मिलियन यानी 80 करोड़ के ऊपर हो जाएंगे। वर्तमान में फेसबुक के जो यूजर हैं मित्रों अपने देश में 400 मिलियन यूजर हैं। तो आप सोच सकते हैं मित्रों क्या स्थिति है। रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हॉट बना हुआ है। आए दिन इसमें कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं मित्रों, जो इसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कई तरह के अधिग्रहण करता है ये, कई कंपनियों के साथ इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है जिसमें कंपनी का बिजनेस और ग्रो होता है। 2016 में जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, जियो की लॉन्चिंग हुई थी और लॉन्चिंग के बाद से ही यह कंपनी बड़ी होती जा रही है। एकमात्र कंपनी के रूप में उभरी है मित्रों जो अमेरिकी कंपनियों का यह डट करके मुकाबला कर रही है। इसने कई तरीके के प्लेटफॉर्म बना दिए जिसपे ई कॉमर्स या जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन कारोबार वगैरह की तेजी से वृद्धि हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्री में रिटेल का कारोबार है, जियो का कारोबार है, मीडिया का कारोबार है, इसके अतिरिक्त पेट्रोकेमिकल का कारोबार है। तो ह्यूज विकल्प है। कुछ महीना पहले आपने देखा था इसमें सऊदी की जो सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है उसने इसमें निवेश किया था। और कुल मिला के यह माना जा रहा है मित्रों, मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा किया था कि मार्च 2021 में यह कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी। वर्तमान में यह कंपनी सबसे बड़ी कर्ज होल्डर कंपनी है, लेकिन डेब्ट इक्विटी रेशियो सबसे बड़ा नहीं है इसका। तो रिलायंस इंडस्ट्री मित्रों निगाह में रहनी चाहिए, आगे और भी तेज रह सकती है।
बिजनेस और इसका ग्रो कर सकता है, पोर्टफोलियो इस स्टॉक के बगैर अधूरा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री को पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करिए। जय हिंद, जय भारत।